नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आज हम आ गए हैं पटना के गांधी मैदान में। बिहार दिवस के अवसर पर मेला का आयोजन किया गया है जिसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और आज मेले का अंतिम दिन है, 22 मार्च 2023 को यह मेला शुरू हुआ और आज 24 मार्च 2023 को इस मेले का समापन हुआ। तो 3 दिनों का यह मेला था, उसमें अच्छी खासी भीड़, कल भी हम लोग यहाँ आए थे इस मेला में और आज भी आए हैं देखने के लिए। तो कल ज़्यादा नहीं कुछ देखे तो आज जो बच गया है उसमें आप लोग भी हमारे साथ देखिए। इधर व्यंजन मेला का स्टॉल है और इधर है यह मुख्य इंट्रेंस और शांति संभव है एक प्रोग्राम है मेरे जो निःशुल्क सबको यहाँ सुनाया जा रहा है। तो प्रेम रावत का कहना है कि जिस सुख और शांति की तलाश आपको है वो आपके अंदर ही है। तो प्रेम रावत का ये प्रोग्राम है पटना के गांधी मैदान में, जो पुस्तक मिला उसमें जो हम लोग को निःशुल्क सुनाया जा रहा है, आप लोग भी देखते मेरे साथ। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टॉल की ओर। अभी हम लोग पुस्तक के स्टॉल में थे जहाँ पे एक शांति का संदेश दिया जा रहा था, जिससे 10 मिनट का एक कार्यक्रम था जिस हमने सुना निःशुल्क सुनाया जा रहा था। तो अब उद्योग विभाग का एक स्टॉल बहुत भव्य बना हुआ, इसमें चलते हैं। उसके ऊपर एक ड्रोन उड़ा रहा है, ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है शायद। तो फिर आज शाम के समय बहुत अच्छी खासी भीड़ हो गई है, कल भी इस समय बहुत अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। तो उद्योग विभाग के स्टॉल में हम लोग चलते हैं और मैं पहली बार यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ जिस पर ये सारे वीडियो अपलोड करूँगा और देखिएगा आप लोग इसको। उद्योग विभाग का स्टॉल है, बहुत बड़ा स्टॉल बना। आप सभी अपने समारोह की रक्षा स्वयं करें, माता पिता अपने बच्चों का हाथ न छोड़ें बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना और बड़े अपने दोस्तों का हाथ न छोड़ें। ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है, फूलों का या पानी का छिड़काव हो रहा है। बहुत अच्छी खासी भीड़ है इसमें और उद्योग विभाग के साथ वैमानिक एरोस्पेस द्वारा ड्रोन से गुलाबियों का छिड़काव आप सभी आगंतुकों के स्वागत में किया जा रहा है। आप सभी इसका आनंद लें। ड्रोन से गुलाब जल का छिड़काव किया जा रहा है, अनाउंसमेंट में बताया गया। यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं लोग, बहुत बहुत ड्रोन के नीचे जा रहे हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर उद्योग विभाग के स्टॉल में है। तो बिहार दिवस के अवसर पर ये सारा कार्यक्रम है, आज ये समापन है इसका। इस कार्यक्रम का पूरे स्टॉल को आपको दिखा देता हूँ फिर से, बहुत ही आकर्षण का केंद्र था यह स्टॉल और ड्रोन को नीचे बुला लिया गया है। तो आप लोग फिर से इसको देख लीजिए थोड़ा सा, तो यूट्यूब चैनल पर मेरा देख लीजिएगा। तो पहली बार यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ और मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा वो बेसिक रूप से ट्रेवलिंग का होगा, घूमने का। और जो 2 दिन में यूट्यूब चैनल बना के उसको डालूँगा और उसके बाद भारत में या बिहार में या वर्ल्ड में कहीं भी अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे हम, तो उसका वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिलते रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और बहुत सी जानकारी भरे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। उद्योग विभाग के स्टॉल में बहुत से तरह के
हैंड निर्मित क्राफ्ट और सामान जो है इसमें मधुबनी पेंटिंग कपड़े झोले ये सब इसका स्टॉल है। तो अच्छा खासा यहाँ पे भी है और बहुत ही अच्छा। तो अभी हम लोग उद्योग विभाग के हैं स्टॉल में हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉल का देख रहे थे अभी। तो कुछ कपड़े का भी स्टॉल था तो हम लोगों ने खरीदा और कल की तुलना में आज कुछ कम भीड़ है। शायद कल मैथिली ठाकुर भजन गायिका भोजपुरी गायिका का कार्यक्रम था इसलिए कल कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। तो आज ही भीड़ है तो मुख्यमंच पर समापन समारोह चल रहा है, आज इसका समापन समारोह होगा। तो चलते हैं मुख्यमंच की ओर। बहुत बड़ा स्टॉल है तो एक दिन में पूरा सुनना संभव नहीं है। तो मेरे साथ आप लोग भी देखिए पटना के गांधी मैदान। आप सभी को एक से ग्यारह बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस के मौके पर उद्योग भवन द्वारा उद्योग विभाग का निर्माण किया गया है। उद्योग विभाग के स्टार्टअप द्वारा ड्रोन से गुलाब जल का छिड़काव आप सभी आगंतुकों के स्वागत में किया जा रहा है। आप सभी इसका आनंद ले। तो अभी आप लोगों ने अनाउंसमेंट भी सुना कि ड्रोन द्वारा गुलाब जल का छिड़काव किया जा रहा है और ये देखिए ड्रोन हमारे ऊपर आ गया है और इतना अच्छा माहौल यहाँ पे लोग भाग भाग कर ड्रोन के नीचे जा रहे हैं और गुलाब जल का आनंद ले रहे हैं। यह है आपदा प्रबंधन विभाग का स्टॉल और यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ है। तो अब हम लोग चलते हैं आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल में। मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और देखते हैं आपदा प्रबंधन विभाग में क्या क्या है। तो आप लोग भी यहाँ से आपदा प्रबंधन विभाग का एक वीडियो देख लीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम पहली बार बना रहे हैं वीडियो, हम लोग कैमरे के सामने आकर अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक यहाँ पे बहुत ही ज्ञानवर्धक यहाँ पे सारा कुछ लग रहा है। तो लोग इससे जुड़ रहे हैं आपदा प्रबंधन जो आपके स्टॉल में बहुत अच्छा लग रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। तो आप लोग इसको देखिए इतना स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोजन है सारा कुछ तो बहुत ही ज्ञानवर्धक यहाँ पे सारा सूचना देने के लिए लाइटेड बोर्ड लगे हुए हैं खास करके युवाओं के लिए स्टूडेंट के लिए और कोई भी आम पब्लिक को शिक्षित समुदाय बनना चाहते हैं उसके लिए अच्छे अच्छे जानकारियाँ और आपदा से बचने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगाए हैं। बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था। यह शिक्षा विभाग का स्टॉल है
और यहाँ शिक्षा विभाग का जो एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएँ हैं उसके लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, इसी में आप देख सकते हैं। तो उद्योग विभाग के स्टॉल के जस्ट बगल में ही स्टॉल है, तो आप यहाँ से एक बार इसको भी देख लीजिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जिसे दिखाया जा रहा है यहाँ पे और आज आपको कोशिश दिखलाता हूँ कि आज आप लोग इसमें शायद नजर आए तो आकाश में चांद को देखते हैं। चांद बहुत ही बेहतर आज आकाश में लग रहा है, चांद के नीचे चांद के नीचे आप देख सकते हैं तारा इस तरफ से है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज समापन भी हो गए, लाइफ बहुत ज्यादा है अगर लगा हुआ है तो एक बार आप लाइफ का व्यू देख लीजिए। राजेंद्र नाम के बहुत बड़े एरिया में मेला बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, ज्यादा और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग को पटना से 50 किलोमीटर दूर जाना है और पटना ट्रेन पकड़ने बहुत दूर हैं इसलिए आप लोग को शायद बढ़ने से नहीं देख सकते और इतने ज़्यादा लाइट हैं कि बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा है।